नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। देखिए, इस समय बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन है कि यार हमको रक्षाबंधन किस दिन मनाना है, 11 अगस्त को मनाना है या 12 अगस्त को मनाना है, क्योंकि बहुत से ज्योतिष जो है 11 तारीख को यानी 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने पर जोर दे रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने पर जोर दे रहे हैं। तो कौन सा इसमें से सही है, 11 सही है या 12 सही है, और अगर सही है कौन सा दिन सही है, और अगर वो दिन सही है तो उसमें किस समय रक्षाबंधन बनानी चाहिए, यानी शुभ मुहूर्त उसका क्या रहेगा, ये सभी बातें मैं आपको विथ प्रूफ के साथ या कह सकते हो विथ रीजन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही से उसका निर्णय कर पाएं। तो पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी रक्षाबंधन का जो कार्य है वो पूर्णिमा तिथि में किया जाता है, ना कि प्रतिपदा यानी एकम तिथि में नहीं किया जाता, वो कब किया जाता है, पूर्णिमा तिथि में। तो देखिए, 11 तारीख को सुबह 10:37 से पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 12 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस बीच में कभी भी आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो, यानी कि 11 इस हिसाब से देखा जाए तो 11 तारीख को आप रक्षाबंधन का काम करना चाहिए। अब 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख भी सुबह सुबह तो पूर्णिमा ही है, यानी सुबह 7 से पहले आप पूर्णिमा ही रहेगी, तो सुबह 7 के पहले आप रक्षाबंधन कर सकते हो। अब दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो रक्षाबंधन है वो भद्रा काल में नहीं होता है, और 11 तारीख को क्योंकि भद्रा काल है और भद्रा का जो समय होता है उसके अंदर रक्षाबंधन या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ भी एक दूसरी बात है कि कब स्थिति में भद्रा काल में आप रक्षाबंधन नहीं कर सकते, उसका भी एक रीज़न है। जब भी भद्रा अगर स्वर्ग लोक में होती है या पाताल लोक में उसका निवास होता है, उस स्थिति में भद्रा शुभ फलदायी होती है, यानी वो शुभ होती है, उसके अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अगर भद्रा कहाँ कहाँ पर होगी, या तो वो पाताल लोक में होगी या फिर स्वर्ग लोक में होगी, इन दोनों लोक में कहीं पर भी अगर इसका निवास होगा तो वो शुभ होगा और इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब इस स्थिति में आप 11 तारीख को रक्षाबंधन कर सकते हो। जब भी चंद्रमा अगर तुला, धनु और कन्या राशि में होता है, तीनों राशियों में से कोई सी राशि में भी अगर चंद्रमा है तो उस समय भद्रा का जो वास होता है वो कहाँ होता है, पाताल लोक में होता है, और पाताल लोक में अगर वास है तो वो शुभ है। इसलिए भद्रा इस बार नहीं आपके सामने आएगी, यानी भद्रा का जो काम है वो इस साल आपको भद्रा किसी भी स्थिति में आपको परेशान नहीं करेगी, वो शुभ रहेगी और अच्छा फल देगी अगर आप 11 तारीख को राखी बांधते हो तो। अब दूसरा मत ये कहता है कि कोई भी जो तिथि होती है वो उदया तिथि माना जाता है। बहुत से शास्त्रों में उदया तिथि को महत्व दिया गया है। उदया तिथि का मतलब होता है जिस तिथि में सूर्य का उदय हुआ हो उसको उदया तिथि कहते हैं, क्योंकि 12 तारीख को सुबह 7 से पहले सूर्य उदय हो जाएगा, और 12 तारीख से पहले क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए जो 12 तारीख है उस दिन उदय तिथि यानी उस दिन पूर्णिमा रहेगी, और 11 तारीख को क्योंकि 10:30 के बाद पूर्णिमा लग रही है तो उसके पहले तो चतुर्दशी होगी इसलिए उसको नहीं माना जाएगा, ऐसा मत है। लेकिन मैं अब इन सबका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि अगर 12 तारीख को आपको राखी बांधना है तो सुबह 7:05 से पहले बांध दीजिए तो वो सही मानी जाएगी, अदरवाइज वो एकम तिथि लग जाएगी और एकम तिथि में आप नहीं बांध सकते। 11 तारीख को राखी अगर बांधना है जो कि शुभ है, मेरी तरफ से आप 11 तारीख को ही राखी बांधना चाहिए, लेकिन वो 10:30 के बाद 10:37 के बाद आप 11 तारीख को राखी बांध सकते हैं, और ज़्यादातर ज्योतिषों का, ज़्यादातर पंडितों का मत यही है कि आप 11 तारीख को ही राखी बांधना है, वो भी 10:30 के बाद। मुझे लगता है कि ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, ऐसा तो नहीं मैंने आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, आपको 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना है 10:30 के बाद से लगा के पूरा दिन भर और पूरी रात भर, उसमें से कभी भी आप अच्छा समय देखकर राखी बांध सकते हो। अच्छे समय भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी शुभ मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ, 11 तारीख को दोपहर 12:30 तक का समय जो है वो शुभ समय है, दूसरा 1:30 से 3 तक का जो समय है वो भी शुभ है, इन दोनों में से कभी भी आप राखी बांध सकते हो। अगर आपको ये समय सूट नहीं करता तो मैं शाम का समय आपको बताता हूँ, शाम को 4:30 से 6 तक का जो समय है वो, और 6 से 7:30 तक का जो समय है वो, ये सभी इन चारों समय में से जो समय आपको ठीक लगे उस समय आप अपना रक्षाबंधन का जो कार्य है या राखी बांधने का जो काम है वो कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन शायद मैंने दूर कर दिया होगा।
इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको रह गए तो आप मैसेज के साथ पूछ सकते हो। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद नहीं मिलते नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।